जी व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं। आज कुर्बानी का, बल्कि सबको हज मुबारक हुआ। अच्छा हो रहा है इस साल, माशाल्लाह माशाल्लाह हज अकबर हुआ 2006 में। इससे पहले हज अकबर आया था और उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने भी हज किया था। तो काफ़ी सालों के बाद, ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स के बाद जो है वो आया है हज अकबर। तो सब भाइयों को हज अकबर मुबारक हो। मैं अपने ये बकरों के पास आज बैठा हुआ था, इनके भी 2 दिन रह गए कुर्बान होने में, तो इनको आज मैं ये सूखा खिला रहा था। तो माशाल्लाह ये देखें जी, कितने प्यार से और मज़े से हैंड से फीड ले रहे हैं। अच्छा लगता है जब हम कुर्बानी का जानवर लेते हैं और फिर उसकी खिदमत भी करते हैं अच्छे तरीके से, तो अल्लाह ताला भी खुश होता है। और जो जानवर हम लेते हैं उसकी देखभाल करते हैं तो जानवर भी जो है वो हमें दुआएं देता होगा। तो सुन्नत है जैसे हमारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, तो हम तो सुन्नत का हक अदा करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। उम्मीद है आप सबका भी जो है कुर्बानी के जानवर ठीक होंगे, आप उनकी खिदमत कर रहे होंगे। अब अगले साल की तैयारी इंशाल्लाह ताला नए कुर्बानी के जानवरों से करनी है। इस साल तो माशाल्लाह अच्छे जानवर मिल गए, अल्लाह ताला ने फजल व करम से मिल गए। ये इंसान की अपनी मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है, उसका शौक होता है कि वो आप किस तरह की कुर्बानी करना चाहते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, और अल्लाह पाक जो है वो शौक़ के मुताबिक जो है वो आपको कुर्बानी का अजर भी देता है। और मेरे सब दोस्तों भाइयों से सबसे अपील ये है कि कुर्बानी के जानवर का कभी दिखावा ना करें। हम लोग अक्सर लोग जो हैं, जिनमें हम भी शायद शामिल हैं, बड़ा लेने के चक्करों में, दोस्तों लोगों के दिखाने के चक्करों में अपनी कुर्बानी को, जो उसका हमें अजर सवाब है, उसको ज़ाया कर लेते हैं। तो इस चीज़ का ज़रा रखा करें। कल मैं इंशाल्लाह ताला, बल्कि परसों ईद वाले दिन इंशाल्लाह मैं इस्लामी तरीके के मुताबिक जो है कुर्बानी करने का तरीका आप लोगों को बताऊंगा, बल्कि आपको दिखाऊंगा लाइव इंशाल्लाह ताला कि किस तरह कुर्बानी की जाती है, उसका पूरा प्रोसीजर जो है और जो दुआ हमने पढ़नी है उसको सारा मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। आप मेरे चैनल में साथ रहिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगी। शुक्रिया।